देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर के बीच में ये ग्राफ है। रूल नंबर वन, बाइंडिंग एनर्जी है क्या चीज़? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे कि न्यूक्लियॉन्स को आपने बांध के रखा हुआ है। पॉइंट नंबर वन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्ड यूज़ क्यों किया? सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी क्यों नहीं किया? बाइंडिंग एनर्जी भी कर सकते थे, पर हमने क्या किया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किया। रीज़न देखो, सपोज करो आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, ठीक? आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, ये आपका पहला न्यूक्लियस है, ये आपका दूसरा न्यूक्लियस है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 2 जूल है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी सपोज 10 जूल है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 10 जूल की 2 जूल? 2, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, बांध के रखने की एनर्जी कम है, तो मतलब न्यूक्लियॉन्स सोचते हैं चलो हमें तो किसने बांधना नहीं, हम स्टेबल रहते हैं, और भाग जाएंगे यार। ऑब्वियसली जितनी बड़ी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही उसको बांध के रखेगा न्यूक्लियॉन्स को, और उतना ही वो स्टेबल रहेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का ज्यादा होना तो अच्छी बात है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक? तो सुनने में लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी 10 जूल वाले की ज्यादा है तो ये स्टेबल होगा, है ना? लेकिन हम ये आंसर दे नहीं पाएंगे। रीजन, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। हमें क्या पता कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसमें मान लो 2 न्यूक्लियॉन्स हैं और इसमें मान लो 100 न्यूक्लियॉन्स हैं। अब एक न्यूक्लियॉन को बांधने की एनर्जी इसमें कितनी है? 1 जूल पर न्यूक्लियॉन, और इसके अंदर कितनी है? 10 को 100 से डिवाइड किया, इतने जूल पर न्यूक्लियॉन। अब इसको बांधने की पर न्यूक्लियॉन एनर्जी कम हो गई, और क्योंकि इसको 100 को बांध के रखना है, इसको सिर्फ 2 को बांध के रखना है, तो पर न्यूक्लियॉन एनर्जी इसमें ज्यादा है, तो 2 जूल वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 10 जूल। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक? तो रूल है कि जब आप बाइंडिंग एनर्जी लेते हो तो आप बाइंडिंग एनर्जी अकेले कंपेयर नहीं करते कि स्टेबिलिटी के लिए, आप क्या कंपेयर करते हो? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ कंपैरिजन करते हो, ठीक? जैसे मान लो मेरे को आज 40 बच्चों को संभालना है, और सपोज कल मेरे को 140 को संभालना है, 140 की एनर्जी मेरी उतनी है, तो 140 की क्लास अनस्टेबल हो सकती है, 40 की क्लास स्टेबल रहेगी। और सिर्फ 2 बच्चों को संभालना है वो बहुत स्टेबल रहेगा, 1 को संभालना है बहुत स्टेबल रहेगा। तो समझ रहे हो बात? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी डिपेंड करेंगे कि क्लास कितनी स्टेबल होगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जो इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है वो अकेली बाइंडिंग एनर्जी का कर्व नहीं बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व मास नंबर के साथ प्लॉट किया गया। आपने ग्राफ याद रखना है, बनाना आना चाहिए आपको। कैसे? शुरू के एलिमेंट्स याद करने हैं, हाइड्रोजन के, लिथियम के याद कर लो, बीच के छोड़ दो, और एंड का याद कर लो, ठीक? तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू जो हैवी एटॉमिक मास नंबर है उनकी कमज़ोर होती है, उनकी कम है, ये डाउन होता जा रहा है, डाउन होती जा रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूरेनियम जैसे एटम्स की जो है वो कम है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाइड्रोजन जैसी की भी कम है, ठीक? हाइड्रोजन की कम है और उधर से यूरेनियम की भी कम है। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस क्या निकला? तो इससे ये निकला कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन इज स्मॉल, इससे पता लगता है। फॉर मास नंबर मास नंबर 2 to 20, 2 से लेके 20 तक शार्पली डिफाइंड पीक्स, तो यहां पर काफी तीखी पीक्स हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाती है इनकी, तो ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है, तो पीक इंडिकेट्स दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल। फॉर न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जैसे यूरेनियम, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाती है? डिक्रीज। अब डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या बताती है? वो ये बताती है यूरेनियम जैसे जो न्यूक्लियस है उनमें न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा हैं, एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा हैं, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है, तो वो अनस्टेबल है। तो वो न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है और 2 छोटे स्टेबल न्यूक्लियस बनाए जा सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिशन। इसमें क्या रिलीज होती है? एनर्जी। तो इसने यही बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने से यूरेनियम जैसे एटम की क्या हो जाएगी? फिजन हो जाएगी। और ऐसी डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एट लोअर मास नंबर, जो छोटे हाइड्रोजन जैसे मास नंबर हैं,
इनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने का मतलब है कि ये जो एक्सप्लेन करते हैं फ्यूजन क्यों, हाइड्रोजन को तोड़ के क्या निकलेगा, छोटे न्यूक्लियस तो निकलेंगे नहीं, एक ही तो उसमें न्यूक्लियॉन होता है, एक अकेला प्रोटोन और तो कुछ होता नहीं है, पर तोड़ना उसे आसान है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ना आसान है, तो हाइड्रोजन को तोड़ के जोड़ा जा सकता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो ये पूरा कर्व आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि फिजन और फ्यूजन इन एटम्स का क्यों होता है, यूरेनियम और हाइड्रोजन का फिजन और फ्यूजन क्यों होता है, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,